बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। वो चीज़ें जिन्हें राज रखना ही बेहतर है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि ख़वातीन राज रखने के मामले में बिल्कुल नाकाम हैं, मगर सच बात तो ये है कि चाहे मर्द हो या औरत, हजरात इंसान के लिए अक्सर अपनी खुशी काबू में रखना मुश्किल हो जाता है, बिलखसूस उन लोगों से जो हमारे करीब होते हैं। ऐसे कई लोग जो जज्बात में आकर अक्सर अपनी ज़िंदगी के वो राज बआसानी दूसरों तक मुंतकिल कर देते हैं जो अमूमन वो कहने से गुरेज करते हैं। माहिरीन के मुताबिक ऐसे कई चीज़ें और बातें हैं जो राज में रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा और कबल अज़वक़्त किसी को भी बताने से गुरेज करने में ही आफियत है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो आप भी जानिए। उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नंबर वन, अपने मंसूबे किसी को ना बताएं। आप मुस्तकबिल में कहीं जाने का इरादा रखते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं या बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, तो अक्लमंदी इसी में है कि आपने इस किस्म के तमाम मंसूबे जिनका मुमकिन होना आने वाले कल पर मुनहसर हो खुफिया ही रखिए। वो मंसूबे जो तकलीफ़ के करीब हो, सिर्फ उनको अपने दोस्तों और अजीज़ अकारिब को बताएं। ज़हानत का इजहार हर एक के लिए नहीं, हर जगह और किसी के भी सामने अपनी अकलमंदी और ज़हानत के झंडे गाड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको किसी के बारे में मालूमात हासिल हैं तो बिला ज़रूरत इसको इजहार ना करें। सिर्फ उस वक़्त अपनी बात बयान करें जब आपसे किसी मामले के बारे में राय मांगी जाए, तो आपकी बात की अहमियत होगी। अपने तर्ज ज़िंदगी के बारे में बात ना करें। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, आपको क्या पसंद है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनका सिवाय आपकी अपनी ज़ात की किसी से कोई नुतालुक नहीं। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि बिला ज़रूरत किसी के सामने अपने तर्ज ज़िंदगी को मौजू गुफ्तगु ना बनाएं। ऐसी बातें शेखी बिगाड़ने में गिनी जाती हैं। तरम खानी अपने तक रखें। बुरा वक़्त और आजमाइश हर किसी पर आती हैं और हर इंसान अपनी सलाहियतों के मुताबिक उनसे नंबर आजमा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपनी बहादुरी की दास्तान हर किसी को बताए। आपने अपनी मुश्किल को कैसे हल किया, उनका तस्कीरा दूसरों से करना बेकार है। ऐसा करने से दूसरों की नज़रों में आपकी अहमियत में कोई इजाफा नहीं होगा। ख़ानदानी मसाइल का तज़किरा सबसे ना करें। जो लोग अपनी घरेलू मसाइल का तज़किरा दूसरों से करते हैं, वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि घर वालों के अलावा आपसे कोई मुखलिस नहीं होता। जो लोग आपके घरेलू मसाइल जानते हैं, वो उनको आपकी कमज़ोरी बना सकते हैं। घर के बाहर के अफराद को आपके घर के मसाइल का जितना कम